and welcome back to my channel sirf ias first of all tahe dil se maafi aap logo se itne din se contact na karne ki wajah se i was not at all uh, well and uh, suffering from very high fever to is wajah se wo live bhi main nahi aa payi खैर बिना टाइम वेस्ट करें यहाँ पे चैप्टर नंबर टू का पार्ट वन आपके लिए लेकर आई हूँ आराम से कई सारे पार्ट्स में इसको कंप्लीट करेंगे बिकॉज आई एल बी एक्सप्लेनिंग दिस टाइम दिस सीरीज वेरी इलाबरेटरी और uh, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाऊँ तो इट कैन टेक थ्री फोर पार्ट्स तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें आइए चलिए शुरुआत करी जाए क्लासिफाई करने को टेररिज्म को क्लासिफाई करने से पहले अपन बात करेंगे असल में टेररिज्म क्या है तो तो देखिए अब टेररिज्म जो है इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन अभी तक नहीं निकली इवन यूनाइटेड नेशंस भी नहीं निकाल पाया है एक टेररिज्म की डेफिनेशन को देखिए इसका रीजन ये होता है ना बेसिकली कि अब सपोज एक जगह का कोई टेररिस्ट है अगर सपोज करिए कि हमारे भारत में किसी ने अटैक करा और यहां पे उसे टेररिस्ट कह रहे हैं तो अगर वो पाकिस्तान से भेजा गया है तो जरूरी नहीं कि वहां उसको टेररिस्ट समझा जाए वहां पे ऐसा भी समझ सकते हैं कि हाँ भाई हमारे देश के लिए लड़ता हुआ एक बहुत ही ज्ञानी नागरिक समझ रहे हो आप तो इसलिए टेररिज्म की डेफिनेशन बनाना मुश्किल है या एक स्टेट अगर दूसरी स्टेट को अटैक कर रही है तो भाई इसके हिसाब से तो बड़ा सही कर रही है ना प्रॉब्लम तो इस स्टेट को हो रही है तो इस वजह से ये क्यों सपोर्ट करेगी किसी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन को बनाने में तो इस वजह से ये काफी डिफिकल्ट होता रहा है कि भाई टेररिज्म की एक डेफिनेशन नहीं निकल के आई है लेकिन तब भी भाई काम तो चला नहीं है इस वजह से आप कह सकते हो कि हाँ टेररिज्म कुछ एक एक ऐसी स्टेट है जिसमें डर का माहौल रहता है काफी लोग डरे रहते हैं पैनिक रहते हैं है ना और ये डर का माहौल कौन बनाता है कोई एक इंसान भी बना सकता है या कुछ कुछ लोग भी बना सकते हैं किस लिए बनाते हैं ये ऐसा काम क्यों करते हैं ताकि किसी को फोर्स कर सके जबरदस्ती करके उसको ब्लैकमेल करके अथॉरिटीज़ को या किसी इंसान को पर्टिकुलर जो भी काम करना चाहते हैं वो और एक खतरनाक मेथड्स का यूज करके जो वायलेंट मेथड्स होते हैं जो सही रास्ते नहीं होते उनका यूज करके अपनी डिमांड्स को अपनी जरूरतों को पूरा करवाना ताकि अब जो भी है जो भी उनका मन है पॉलिटिकल या कोई आप कह सकते हो कोई रिलीजियस है ना कोई रिलीजन को लेके तो आजकल बहुत ज़्यादा चलता है या फिर कोई आइडियोलॉजिकल जो भी उनका गोल है जो भी उनका पर्पस है उसको पूरा करने के लिए जो वो काम डर का माहौल बना के करवाते हैं तो बेसिकली हम इसको काम चलाओ डेफिनेशन बोल सकते हैं काम चलाओ क्या मतलब अभी तक की तो यही है लोग इसी तरीके से चीज़ों को समझते हैं तो भाई ऐसा कुछ है अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि एक चीज और की टेररिज्म क्या है ये माना जाता है कि ये एक तरीका है लड़ने का जिसमें आपका भाई बहुत चीजें आती हैं कि भाई इसमें आपका इंटरनेशनली अटैकिंग है उन सारे लोगों को जो नहीं अटैक होते होना चाहते मतलब देखो सब जो अब जैसे कि भाई मुंबई में अटैक हुआ है ना अब मुंबई में अटैक हुआ उस जगह को बर्बाद करने के लिए इंडिया को बर्बाद करने के लिए पर्पज जो भी रहा हो वो सिविलियंस मारे गए जिनकी इसमें कोई गलती ही नहीं थी है तो ऐसा कुछ आप कह सकते हो टेररिज्म की हमने आपको बताया कि अभी तक आप क्या समझोगे डेफिनेशन को लेके क्या जानोगे क्या समझोगे अब अपन यहां पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन को लेके टेररिज्म की है ना अगर आप क्लासिफाई करो टेररिज्म को तो आप कितने तरीकों में क्लासिफाई करोगे तो देखो भाई दो कैटेगरीज में हम यहाँ पे टेररिज्म को समझने की कोशिश करते हैं ठीक है पहला ये होता है तो भाई पहला है आपका टेररिज्म बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स और दूसरा है आपका टेररिज्म बाय नॉन स्टेट एक्टर्स तो नाम तो काफी कुछ बता रहा है इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बट हम यहां तब भी थोड़ा क्लियरली चीजों को जानने की कोशिश करते हैं अब देखिए ये जो पहला वाला है ये समझना बड़ा ही आसान है आपके लिए क्यों क्या ही कह रहा है देखो टेररिज्म बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स मतलब कह रहा है कि भाई टेररिज्म कोई बाहर की स्टेट फैला रही है किसी जगह पे है ना तब इसको ऐसे समझते हैं कि देखिए जब होता क्या है कि सरकार है ना जो गवर्नमेंट है वो चाहे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो मतलब सीधा सीधा इसका हाथ हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो ठीक है कि मतलब किसी को फाइनेंस करा अब उसने आया वो उससे किसी और को दिया वो उसके बाद उससे जो है वो इन्वॉल्व हो जब इस तरीके से सरकार टेररिज्म में इन्वॉल्व होती है या तो अपने खुद के देशवासियों के खिलाफ नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि अपने खुद के देशवासियों के खिलाफ भी करे ऐसा नहीं होता सिर्फ बाहरी के लिए करे क्योंकि भाई ऐसा है कि भाई दो लोगों को भड़का दिया दो सेक्शंस को और बस जहां से फायदा मिल रहा उन सेक्शन को प्लीज करा दूसरे वाले सेक्शन को भड़का दिया ऐसे करके कुछ अगर टेररिज्म फैलाती है या अपने खुद के लोगों के खिलाफ या फिर किसी दूसरी कंट्री के खिलाफ अगर फैला रही है तो आप इसको कह सकते हो सीधा सीधा टेररिज्म बाय स्टेट एक्टर्स क्या कह सकते हो स्टेट एक्टर्स ठीक है स्टेट का मतलब सीधा सीधा होता है कोई कंट्री या कोई ऐसा गवर्नमेंट की बात हो रही है अब देखिए अब जब दूसरी कंट्री के अगेंस्ट कोई बात हो रही है तो अब मान लीजिए टेररिज्म फैलाया जा रहा है किसी और कंट्री के अगेंस्ट ठीक है अब वो किस वजह से या तो फिर कोई इंटरनेशनल टेररिज्म को सपोर्ट करा जा रहा हो है ना कि मतलब भाई कहीं पे ऐसा चल रहा है कि तीन चार गवर्नमेंट मिलके और किसी एक टेररिज्म को पूरे वर्ल्ड में कोई चल रहा है कि भैया यही होना चाहिए और हमें तो ये यही जो है वो एक पर्टिकुलर इनका राज होना चाहिए जिसे भी कहते कहते अलग अलग कंट्रीज में अगर इंटरनेशनल टेररिज्म को प्रमोट करा जा रहा है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, है ना अगर इसके सपोर्ट में टेररिज्म फैला रही है कोई सरकार या फिर उस जो दूसरी कंट्री है ठीक है अब मान लीजिए ये एक ये एक कंट्री है ठीक है और ये दूसरी कंट्री है मान लीजिए एक तो हो गया कि इंटरनेशनल टेररिज्म को बढ़ावा देना और दूसरा ये हो गया कि मान लीजिए ये कंट्री इस दूसरी कंट्री के जो चीज़ें चल रही हैं इसकी जो इंटरनल मैटर चल रहे हैं उनको डीएसटेबलाइज करना चाहती है ना कि मतलब यहाँ इनकी इनकी हाला डोला जो है वो खराब हो जाए है ना तो इस वजह से ऐसा कुछ कर रही है तो आप इसको कह सकते हो कि एक्सटर्नल स्टेट टेररिज्म समझ रहे हो नाम ही कह रहा है एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म क्या कहता है कि भाई एक्सटर्नल मतलब बाहर की कंट्री को अब ये कंट्री है ये दूसरी कंट्री को पहली चीज तो कर रही है तो एक्सटर्नल ये हो गया ठीक है स्टेट मतलब ये ये एक कंट्री दूसरी कंट्री को कर रही है तो दोनों स्टेट्स हो गई तो स्टेट ठीक है स्पॉन्सर्ड मतलब ये पैसा अपना लगा रही है इसको बर्बाद करने में तो इस वजह से स्पॉन्सर्ड और टेररिज्म टेररिज्म फैला रही है इस वजह से ये एक्सटर्नल स्टेट हो गया जब एक कंट्री दूसरे कंट्री दूसरी को बर्बाद करने के बारे में जो है वो काम करती है इतनी बात समझ में आई जैसे कि आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देती हूँ मैं और वो है एग्जाम्पल टेररिज्म कश्मीर का ठीक है हमारे कश्मीर में जो टेररिज्म होता है वो क्या है वो पाकिस्तान सीधा सीधा भेजता है ना टेररिस्ट को समझ रहे उन्हीं के इन्फ्लुएंस में टेररिस्ट आते हैं और यहाँ पे आके बम फोड़ते हैं या कोई भी बवाल जो भी मचाते हैं है ना अब टेररिज्म किसके अंदर होता है भाई ये तो बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन है ना इनके जो चलते हैं उनके अंदर होता है जैसे कि आपका इंडियन मुजाहिदीन या फिर सिमी ये कैसे ये इनडायरेक्टली सपोर्ट आई करती है ऐसा ही और स्टेट ऑफ पाकिस्तान इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है जो इंडियन मुजाहिद्दीन है यानी कि भैया जगह हम तो बस जो है वो ऊपर वाले के लिए काम कर रहे हैं ऐसा वैसा इनके माइंड को मैनिपुलेट करा जाता है बहुत ही कायदे से है ना और इतना बचपन से मैनिपुलेट कर देते हैं कि लोग अपनी जान देने को तैयार है इनको सही गलत समझ में नहीं आता इनको ऐसा लगता है कि हम बस ऊपर वाले के लिए काम कर रहे हैं अपने देश के लिए काम कर रहे हैं सामने जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं इनको ये नहीं बताया जाता कि आप इतने सारे हजारों लाखों लोगों को मार रहे हो तो आप ये लोग जान ले रहे हो नहीं इनको बचपन से ही ग्रोन अप ऐसे ही करते हैं इतना इनके दिमाग में डाल देते हैं कि मारना ही सही काम है और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए दिक्कत दे रही है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भाई डायरेक्टली देती तो डायरेक्टली बम फोड़ देती आके, और इनडायरेक्टली देती बम फोड़ती तो बताते भी है ना एक बात बता रही हूँ डायरेक्टली तो समझ लीजिए जैसे अटैक कर दे या इनडायरेक्टली मतलब किसी को फाइनेंस करे वो आके यहाँ पे अटैक करे तो आप समझो लो ये ही आ गया आपका एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के अंदर एग्जांपल समझ में आया आपको ठीक है इसी तरीके से आप देखो भाई बांग्लादेश म्यांमार है ना ये भी एक्सटर्नल स्टेट फैक्टर्स हैं टेररिज्म नॉर्थ ईस्ट में फैलाते हैं है ना तो बांग्लादेश में एग्जैक्टली exactly हमारा रिश्ता तो अच्छा है बट वहां के जो ऐसे ग्रुप्स हैं है ना ये सब आ जाते हैं और दिक्कत क्रिएट करते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर ठीक है अब देखिए सपोर्ट जो टेररिज्म को दिया जाता है वो कई तरीकों से दिया जाता है पैसा प्रोवाइड कर दिया ठीक है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन यहां पे दी आपका टेक्निकल सपोर्ट दिया या आर्म्स वगैरह प्रोवाइड कर दी ट्रेनिंग दे दी समझ लो आप इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट दिया कि आओ भैया हम तुम्हें यहाँ रोक लेंगे या ये इस पुल के रास्ते से निकल जाना है पुरानी जो है कडेरी गली के होते हुए या आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दिया ठीक है आपकी सपोर्ट आपकी सोच बदलवा दी आपके दिमाग में डाल दिया उल्टा सीधा समझ रहे हैं आप तो ये ही कुछ सपोर्ट होते हैं तो मैंने बहुत ही कायदे से आपको एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स समझाया कि आखिरकार ये होता क्या है अब बात आती है टेररिज्म बाय नॉन स्टेट एक्टर्स तो इसमें तो स्टेट का नाम है नहीं अब स्टेट नहीं है तो सरकार नहीं है तो कौन है तो खुद या तो भैया तो ग्रुप शुरू कर रहा है ठीक है इकट्ठा तीन चार लोग पांच लोग अब जितने भी लोग हैं जो कि सरकार जिनको पैसा नहीं दे रही है ना इनको जो फाइनेंस है वो सरकार के द्वारा नहीं मिल रहा है तो इसको आप नॉन स्टेट के अंदर लेकर आओगे समझ लो आप जो नॉन स्टेट होंगे यहाँ पे वो आप कह सकते हो कि इनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह का कोई भी लिंक आपको सरकार से नहीं मिलेगा ना गवर्नमेंट से मिलेगा ना गवर्नमेंट की एजेंसी से मिलेगा समझो वाइल जब अपना ये एजेंडा वगैरह कर रहे होंगे तो इनडायरेक्टली किसी तरीके से अलग सोर्सेस से पैसा लेकर आएंगे इनको सरकार या सरकार की कोई भी एजेंसी फाइनेंस नहीं कर रही होगी किसी भी सेंस में इनको सपोर्ट नहीं कर रही होगी इतनी बात समझ में आई आपको सॉरी ये फिर से यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है खटपुट खटपुट तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको समझ में आता रहे चीजें है ना क्योंकि बहुत टाइम तक इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं पता नहीं कभी खत्म होगा ये तो देखिए अब जो नक्सलिस्ट है है ना और आपका एल टी टी ई -E वगैरह नॉर्थ ईस्ट एक्सम वगैरह ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो नॉर्थ नॉन स्टेट एक्टर्स के एग्जाम्पल हैं वे लोग क्या करते क्या है अपनी तरफ से पैसा लगाते हैं अपनी तरफ से बवाल मचवाते हैं अपने खुद के कुछ मोटिव्स को पूरा करने के लिए या जो भी उनकी इच्छा होती है ठीक है अब कई सारे देखिए इंपोर्टेंट टेररिस्ट ग्रुप्स भी आते हैं इसमें जैसे कि आपका लश्कर लश्कर ए तैयबा एल है ना बड़ा ही अभी नाम में भी रहा था ये या आपका हो गया इंडियन मुजाहिदीन आई एम जिसे बोलते हैं है ना इनको भी यही नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर लाया जाता है है ना बट ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से नॉन स्टेट एक्टर्स है ठीक है इनको बात तो यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर लाया जाता है लेकिन कहीं ना कहीं, कहीं इनको इंडायरेक्टली पाकिस्तान सपोर्ट करता है ना वो चीज ओपन में नहीं है तो इसलिए इनको भाई गिना नहीं जाता ऐसा समझ रहा तो देखिए नॉन स्टेट एक्टर्स का जो काम होता है ये काम क्या होता है मेनली समझिए है, है ना भैया यहाँ पे क्या है सीधा सीधा कि इनको अपना फायदा देखना है है ना अब जैसे ये लश्कर तैयबा मैंने बताया है ना ये किसी तरीके से इनको फंडिंग तो मिल रही है पाकिस्तान से इनको पैसा मिलता है बट खुले में मामला नहीं है है ना इनके काफी ज्यादा अच्छे संबंध भी हैं आईएसआई से या ऐसे ग्रुप्स से जिनके पास अच्छा खासा डेटा है है ना या ऐसे ग्रुप्स से जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपको 26 ग्यारह के जो मुंबई अटैक्स हुए थे उनमें देखने को मिलेगा है ना तो इनका ये सीन होता है ना बट लेकिन वही वाली बात है कि सामने खुल के नहीं तो इनको तो तो नॉन स्टेट एक्टर्स में गिना जा रहा है ये सारे ग्रुप्स का काम क्या होता है भाई इनका मेन मुद्दा है कि हमारे भारत के अंदर अभी तो हम अपनी कंट्री को लेकर चलते हैं ऐसे आप किसी भी कंट्री को ले सकते हो लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि लश्कर ए तैयबा वगैरह ऐसे ग्रुप्स का मतलब होता है कि हमारी जो कंट्री है हमारा जो भारत है इसके अंदर इनस्टेबिलिटी लेकर आना कहाँ जैसे मान लो जम्मू एंड कश्मीर में बवाल मचा दिया इन्होंने समझ लो आप है ना तो स्टेबलाइज खत्म हुई कंट्री का डिस्टेबलाइजेशन शुरू हो गया है ना तो अब छोटे छोटे अटैक करने लग गए अब एक बताओ बात बताओ आप कि भैया ये स्टेट है यहाँ पे एक पुल बनना है ठीक है यहाँ एक पार्क बनना है एक, एक स्कूल बनना है अब छोटे छोटे अटैक हो रहे हैं पुल स्कूल बम गिरा दिया स्कूल टूट गया पुल पे बम गिरा दिया पुल टूट गया तो भाई सालों साल की मेहनत है अगर एक मिनट में खराब होगा तो डेवलपमेंट भी तो नहीं आएगा ना तो इनका काम यही होता है कि भाई चीजें यहाँ पे गड़बड़ सड़ब ही रहे और यहाँ पे कंट्री जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज ना कर पाए इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन ना ले पाए है ना तो ऐसा अब देखिए इसमें और इनका क्या दिमाग चलता है इनका दिमाग चलता है कि भाई आ, हम फेक करेंसी लेकर आ जाएं कंट्री के अंदर है ना अब देखो फेक करेंसी का क्या होता है क्या है आपने देखा होगा आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि अगर कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा फेक करेंसी हो जाती है ठीक तो है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हिलती है ना हमारी जो है वो आ, क्या कहते हैं इकोनॉमी को दिक्कत होगी क्योंकि भाई जितना हमारे यहाँ ये ना भाई जितना गोल्ड है उतना ही आप छापोगे एक एक क्राइटेरिया होता है कि ऐसा नहीं है कि भाई कंट्री में पैसा कम हुआ तो बस नोट पे नोट नोट पे नोट, पे नोट, पे नोट छाप दिए ठीक है इसका एक रिजर्व बनता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो आ, नोटों की छपाई होती है तो अब फेक करेंसी अगर मार्केट में बहुत सारी आ गई तो इससे क्या होगा इससे यही होगा कि इकोनॉमी में हमारी इफेक्ट पड़ेगा ठीक है तो ये सारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं यही करते हैं ये खैर पाकिस्तान ऑपरेट तो बड़ा करता है इन लोगों को अब देखिए यहां पे चीजें कुछ आपको बताएं देखिए अब यहाँ पे आपको एक किताब में एक वर्ल्ड मिलेगा उसका वर्ल्ड है मोडस ऑपरिंडी एम ओ डी मोडस ऑपरिंडी तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है एक ऐसा तरीका एक ऐसा मेथड किसी चीज को करने का तरीका आप ऐसे कह सकते हो किसी चीज को काम को अंजाम देने का तरीका तो अगर हम देखें कि तरीका ये क्या है या मोटो क्या है आईएसआई आई का है ना और हालांकि इसे नॉन स्टेट एक्टर कह रहे हैं लेकिन सो कॉल्ड है ये एक तरीके से अगर हम आईएसआई आई की बात करें तो ये नॉन स्टेट एक्टर एस एन ऑफिशियली कहा जाता है बट ऐसा है नहीं पाकिस्तान जी जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं इनको तो देखिए इनका मकसद क्या है तो आइए पहला मकसद इनका ये है कि भाई देखिए टू ब्लीड इंडिया विद कट्स इंडिया को एकदम भैया ना ये बहुत ही ज्यादा फेमस है ये वाला तो टू ब्लीड इंडिया थाउजेंड कट इतना बर्बाद कर दो इसको कि हर तरफ से कंट्री एकदम निचोड़ जाए हर खराब हो जाए दूसरा इनका मकसद ये है कि इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद करना कैसे बर्बाद करोगे मैंने आपको बताया फेक करेंसी लेकर आ जाओ दूसरे मीन्स करो ठीक है खर्चा ज्यादा हो सरकार का ताकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज ना कर पाए उसके बाद तीसरा इनका ये है कि भैया आर्म्स वगैरह एक्सप्लोसिव वगैरह है ना सब बम बम ये गन वन सब प्रोवाइड करो मिलिटेंट ग्रुप्स को ताकि इंडिया में वो लोग क्या करें बवाल मचाएं है ना ये जो एंटी गवर्नमेंट ग्रुप है देखिए दो हमेशा से क्या होता है कोई भी सरकार आती है तो दो ग्रुप्स होते हैं एक तो सरकार के सपोर्ट में एक सरकार के विपरीत तो जो सरकार के विपरीत है उनको यहाँ पे आ, 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 इसका फायदा उठाओ इनको पैसा प्रोवाइड करो इनको सामान ला के दो इनको मिलिटरी सपोर्ट दो ऐसे ग्रुप्स को और कहो कि भाई बवाल मचाओ सरकार के खिलाफ खड़े हो अब वो पहले से खड़े थे अब उनको और पैसा वैसा मिल गया और ज्यादा चार्ज हो गए है ना उसके बाद इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एक्टिविटीज जो है उनको स्प्रेड करो ये लोगों का मेन क्या क्या होता है कि इस्लाम के नाम पे ये लोग बिल्कुल टेररिस्ट को बढ़ावा देते हैं बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं समझाएंगे नहीं नहीं हमारा होना चाहिए बचपन से किसी के दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा भरोगे तो वो वही चीज एक्ट करेगा

आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ वो होगा कि भाई कैटेगराइजेशन ऑफ़ टेररिज्म इंडिया और सबसे पहला आ गया हिंडर लैंड टेररिज्म दूसरा आएगा जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी तीसरा आएगा नॉर्थ ईस्ट इंटरजेंसी इंसर्जेंसी और चौथा आएगा लेफ्ट विंग टेररिज्म अब देखिए इनमें से अगर हम इन चारों में से बात करें तो जो आखिरी के दो हैं देखिए ये नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी और लेफ्ट विंग टेररिज्म तो मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट वाले जो हैं और जो लेफ्ट लेफ्ट विंग वाले जो हैं इनका यहाँ पे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है एक्सटर्नल स्टेट से ठीक है तो इनको हम अलग अलग यहां पे पढ़ेंगे न? इनको भी हम पूरा पूरा चैप्टर आएगा हमारा उसमें हम अलग पढ़ेंगे ठीक है अब टेररिज्म जो आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है वो कश्मीर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से ऐसे हमने पढ़ा अभी तो खैर 370 हट गई है जो भी है क्योंकि वहाँ बवाल जो भी हुआ है वो आप जानते हैं वो जो राजा जी ने दे दिया था इंडिया में आ गया था इनका खुद का सब कुछ चल रहा था खाली सिर्फ इंडिया में नाम के थे तो इस वजह से इनका काफ़ी ज्यादा बवाल है और भी चीज़ें हैं कि भाई पाकिस्तान उठा के में दे दिया गया था आधा हिस्सा तो आधे हिस्से को लेने के लिए बवाल था तो ये सारे यहाँ पे मैटर ठीक है तो हम यहाँ पे चीजों को डील करते हैं जानते हैं तो इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हिंडरलैंड एंड टेररिज्म का था? तो इसमें सबसे पहले जो पहला वाला है हिंडरलैंड एंड टेररिज्म उसमें हम पढ़ेंगे कैसे ये हिंटरलैंड टेररिज्म बढ़ता है तो अब टेररिज्म टेरिज्म बढ़ता कैसे इसके लिए हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि भाई आखिरकार हिंडरलैंड टेररिज्म होता क्या है ठीक है तो जो हिंटरलैंड टेरिज्म है ये एक ऐसा टेरिज्म है जो आपको मिलेगा ऑल अक्रॉस द हिंटरलैंड ऑफ द कंट्री तो अब आप कहोगे कि मैम सब कुछ तो ठीक है हिंटरलैंड तो बताते जाओ क्या है तो देखिए अब पूरे कंट्री में फैला हुआ टेररिज्म है तो हिंटरलैंड का मतलब होता है कि दूर दराज़ों रिमोट एरियाज़ तक कंट्री में दूर दराजों तक हर एक रिवर के बैंक तक दूर दूर तक है ना विजिबल या अननोन जितना भी सॉरी विजिबल और नोन एरिया जितना भी है वहां तक टेररिस्ट फैल चुके हैं ठीक है थीके? तो ये हर जगह पे फैले होते हैं ऐसे टेररिस्ट पूरे कंट्रीज में फैले होते हैं पूरे कंट्री में फैले होते हैं और बिना किसी रीजन के फैले हैं समझ रहे हैं अब कोई भी अल्जाम देना है किसी भी मकसद को तो ये कायदे से उसको समझेंगे एनालाइज करेंगे करेंगे एक को करेंगे, एक को बिल्कुल सीक्वेंशियल काम बम यहां फटा तो एक बम इस टाइम पे फटेगा तो एक बम इस टाइम पे फटेगा समझ आप वेल प्लान चीजें होती हैं वेल मोटिवेटेड होती है ये ग्रोथ टेररिज्म की इंडिया में इतनी बात समझ रहे हो आप देखो हम यहाँ पे हिंटरलैंड वाले ही समझ रहे हैं अच्छे से ठीक है क्योंकि बाकी के तीन जो है वो अलग से समझेंगे क्योंकि काफी ज्यादा डिटेल्स समझने वाली चीजें हैं बाकी के तीन में अब देखो गीता समझ गए कि हिंडरलैंड क्या होता है अब हम पहले इसका पॉइंट समझेंगे तो देखिए इंडिया ने दो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, है ना तो आप एक जानते हो एक पाकिस्तान से लड़ी थी और एक लड़ी थी चाइना से है ना तो यहां पे जब फेल हुई थी दो कन्वेंशनल वॉर में इंडिया के इंडिया स्पेशली अगर आप कह सकते हो जो डिफीट 1971 के बाद हुई थी पाकिस्तान ने यहाँ पे क्या कर लिया था एक सब कन्वेंशनल वॉर प्रॉक्सी वॉर को दे दिया जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करने लगा था इंडिया के अंदर है ना और पिछले तीस सालों में तो आप देख रहे हो कि क्या कर रहा है ये पाकिस्तान पिछले तीस सालों में इंडिया को कितना ज्यादा बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है कितना ज्यादा जो है है इसका एक भाई एम है कि टू ब्लीड इंडिया विद कट्स हर एक जगह पे आप सुनते हो साल दो साल में ये बड़ा एक अटैक करवाता है ठीक है तो ये काम करता है फाइनेंस करता है ये टेररिस्ट को और इंडिया को बर्बाद करने के बारे में सोचता है दूसरी बात ये कि जो ये आज का टेररिज्म है वो अचानक से नहीं निकल के आया है बच्चों। ये इंडिया में। और इसकी से आप देख रहे हो ये एक बफर जोन थी है ना जम्मू एंड कश्मीर के बीच में और बाकी इंडिया के बीच में जानते हो पाकिस्तान का अच्छा खासा रोल है तो इस वजह से यहाँ पे टेरिज्म और ज्यादा बढ़ा पंजाब के बाद क्या हुआ पंजाब के बाद अब पाकिस्तान ने दूसरी तरफ अपनी चील की निगाह घुमाई और उसने कश्मीर की तरफ अपनी नजर घुमाई और कश्मीर में लेट आ, एटीज की बात है जब इन्होंने कोशिश करी कि वो एंटी इंडिया सेपरेटरी सेंटिमेंट्स को सपोर्ट करें अब से को भाई चीन क्या चल रहा था वहां पे कुछ लोग थे जो इंडिया इंडिया के साथ थे कुछ थे जो इंडिया के सपोर्ट में नहीं थे तो पाकिस्तान ने क्या करा वही वाला बात है कि जहां पर इन्होंने दराश देखी वहां पर इन्होंने हाथ डाला और इन्होंने जो एंटी इंडिया वाले थे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है ना अब सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे टेररिज्म फैलाया इन्होंने बहुत ही अच्छे से कश्मीर के अंदर टेररिज्म बेसिकली आप कह सकते हो कि पाकिस्तान ही जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है पीओके है ना वहां से ही मिलने ये लोग चीजें ऐसी बनाते हैं ऐसे लूपोस लेते हैं कि वो इंडिया में फैलाते हैं आपका ये बेस किस पे होता है ये बेस होता है इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे है ना इनको क्या कहते हैं कि भाई आईएसआई जानते हैं ना आईएसआई काफ़ी जाना समझा नाम है ठीक है यही इसी के अंदर इसको क्रिएट करते हैं लोगों को ट्रेन करते हैं इंस्पायर करते हैं और सब आईएसआई डायरेक्ट करता है जैसे कि लश्कर ए तैयबा वगैरह हो गया है ना और हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह हो गया जेईम हो गया ना अभी हम इन सारे के बारे में अच्छे से बात करेंगे सारे ही सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे अभी मैं आपको एक रफ आइडिया देती हूँ कि आखिरकार होता क्या है मामला ठीक है उसके बाद चौथी बात यह है कि भाई सिमी है ना वक्त आगे बढ़ता गया और इसी के साथ एस आई एम आई है ना अभी हम बात करेंगे इसके बारे में सिमी को भी फॉर्म करा गया था अलीगढ़ के अंदर 1977 में और मकसद क्या था इसको बनाने का इसका मकसद यह था कि हमें इंडियन मुस्लिम्स को आजाद कराना है जो वेस्टर्न इंफ्लुएंस में, वेस्ट में आ गए है ना जो वेस्ट के इंफ्लुएंस में आ गए हैं हमें उनको आजाद कराना है और हमें क्या करना क्या है कि वो भैया वेस्टर्न ना बने इतने एडवांस ना बने वो इस्लाम को फॉलो करें और इस्लाम जो कहता है उस हिसाब से चलें इसलिए उनको आजाद करवाना पड़ेगा हमें तो फिर चीजें आगे बढ़ी 1980s और नाइन्टीन एटीज़ और नाइन्टीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी सिमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिलिटेंट एक्सट्रोमिट ग्रुप बन गया इसने बहुत सारे रेडिकल बवाल करे ठीक है इसलिए इसको फिर बैन कर दिया कि आप जानते हैं कि भाई अभी तो खैर यू के रूल्स और बदले हैं उन्नीस में और उन्होंने तो अब तो इंडिविजुअल को भी टेरिस के अंदर लाने का भाई उसके अंदर प्रोविजन डाल दिया है खैर पहले इसको 2001 में सिमी को यूएपीए के एक्ट के अंतर्गत इसको बैन कर दिया गया था फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा कांड हुआ था 1992 में खैर अब तो सॉल्व हो गया है लेकिन अयोध्या का इंसिडेंट जो हुआ था उसमें ही बहुत बड़ा बवाल रहा था मुंबई में अब देखते हैं 1993 के बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट हुए थे है ना और इसकी वजह से एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आईएसआई के हाथ में आ गई थी कि भाई देखो अब तो हम और ज्यादा कमलिज्म फैलाएंगे इंडिया में समझो आप फिर धीरे-धीरे और वक्त आगे बढ़ा ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी आई और इसमें क्या हुआ कि इंडियन मुजाहिदीन यहाँ पे बन के तैयार हुए क्यों जब सिमी यहाँ पे मैंने आपको बताया ना जब भाई सिमी जब बैन हो गई 2001 में तो भाई अब कोई इसकी जगह तो आनी थी तो इंडियन मुजाहिदीन आए और ये था कि भैया ये था कि भाई इनका मकसद क्या था कि इंडिया को पूरे वर्ल्ड में दिखाना है कि भाई देखो यहाँ पे क्या करना क्या है इट वॉज टू प्रोजेक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड दैट टेररिज्म इन इंडिया वॉज अ प्योरली इंडिजीनियस डेवलपमेंट अराइजिंग आउट ऑफ इल ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम्स एंड नॉट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम अक्रॉस दी बॉर्डर इनका मसला क्या था ये चाहते थे कि इंडिया को ऐसा पूरे वर्ल्ड में दिखाएं इनकी पिक्चर इंडिया की ऐसी बनाएं कि इंडिया में जो तो टेररिज्म हो रहा है वो आपसी वजह से हो रहा है क्यों क्योंकि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनको अच्छा जो है वो उनके साथ खराब ट्रीटमेंट

फिर खैर आई का तो काम ही यही है ना हमेशा इन्होंने कोशिश करी है कि ये कम्युनल वाला बड़ा फायदा उठाएं चाहे वो अयोध्या का हो चाहे वो गुजरात का हो और जवान लोगों को भड़काएं और उसके बाद इनको नई नई अपने ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्रूट करें उसके बाद इनको भाई इसमें रखें कि बवाल करो चाहो मारो पीटो अपनी जान दे दो दे, देश के लिए अपने समझो आप लश्कर ताइबा में इनको रिक्रूट कर लेते थे नए नए जवान जवान मुस्लिम्स को और देख रहे हैं आप भाई मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में जो राइट्स हुई थी इसमें यही सब तो लोग इन्वॉल्व थे कि भैया हमारे को करा गया है तो हम बदला लेंगे ऐसा वैसा करके तो अब भाई बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे एक हरकत उल जिहाद अल इस्लामी अब नाम ही आप देख सकते हैं इनको इस्लाम के नाम पे कैसे भड़काते हैं है ना कि भाई जे आए ठीक है हरकत उल जिहाद अल इस्लामी ये नाम भी है इस्लाम का यूज़ करते हैं है ना ये बांग्लादेश की है ये जो है वो इन्वॉल्व इनको देखा गया है कई सारे टेररिस्ट अटैक में इंडिया के अंदर ये इन्वॉल्व रही हैं ठीक है अब ये हमने पूरा लैंड टेर्रिज्म के बारे में बात करी अब जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट और लेफ्ट विंग जो टेररिज्म है इसके बारे में हम सेपरेट चैप्टर में बात करेंगे अभी हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है कि भाई ये हमने देख लिया ना ग्रोथ ऑफ इंडल एंड टेररिज्म ठीक है ये हमने अच्छे से डिस्कस करा है सॉरी मैं एक स्लाइड बढ़ा नहीं पाई थी ये हमने पे देख लिया आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टेररिस्ट अटैक के हमारे इंडिया में तो इन दो पिक्चर्स के थ्रू मैं सारे टेररिस्ट अटैक को आपको समझाने वाली हूँ आइए जानते हैं एक एक करके तो देखो भाई यहाँ पे पहली चीज तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इतने टेररिज्म हम देख चुके हैं पिछले 20 सालों में जो हम ही लोग ही इतने बड़े हो रहे हैं तभी देख चुके हैं खैर तब भी उसके पहले भी कितने हुए थे टेररिज्म तो आइए जानते हैं, जानते हैं एक मुंबई का ब्लास्ट हुआ था 1993 का ठीक है संजू भैया ने तो ये समझाई दिया है बाबा जी ने तो करीब 300 लोग उसमें मारे गए थे उसके बाद बहुत चीजें ऐसी हुई ब्रह्मपुत्रा मेल ट्रेन में जो है बम फेंका गया था 1996 में उसमें भी करीब 33 लोग मर गए थे मैं सारे नहीं बता रही हूँ मैं एक आपको ओवरऑल कुछ चीजें बताती हूँ फिर आपका रेड फोर्ट के ऊपर 2000 में अटैक हुआ था 2000 में रेड फोर्ट के ऊपर लाल किले के ऊपर अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में अटैक हुआ दो में और पार्लियामेंट हमारे इंडियन पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ है थर्टीन दिसंबर 2001 में और, और किसने किया था लश्कर ए एबा ने किया था और जैश ए मोहम्मद ने किया था जैश ए मोहम्मद बड़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका अक्षरधाम पे भी अटैक हुआ था गुजरात के अंदर 2002 में और वो भी लक्षरे तायबा और आपका जैश ए मोहम्मद ने किया था ऐसी और भी एक्ट थे मुंबई के ब्लास्ट कौन ही भूल सकता है मुंबई के ब्लास्ट जो हुए आपका पहले तो 2006 में हुए थे जिसमें 209 लोग मारे गए थे वो भी करे तैयबा ने किया था आपका सीआरपीएफ कैंप के अंदर अटैक हुआ रामपुर में 2007 में फिर ऐसे बहुत अटैक हैं जर्मन बेकरी के अंदर बॉम्ब पुणे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 2010 में जिसमें कुछ सत्रह लोगों की मौत हुई थी फिर छब्बीस लोग मारे गए सीरियल ब्लास्ट हुआ इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा मुंबई के अंदर दो में तो मुंबई में तो बहुत ज्यादा खतरा ही छाया रहता था बोध गया ब्लास्ट हुए 2013 के अंदर ये भी इंडियन मुजाहिदीन ने करे थे पटना इलेक्शन रैली में ब्लास्ट हुआ 2013 में अमरनाथ यात्रा के टाइम 2017 में ब्लास्ट हुआ था वो भी बहुत खतरनाक ब्लास्ट था और अमृतसर अटैक हुआ 2018 में और ये तो पुलवामा अटैक तो कौन ही भूल सकता है ये तो अभी ही हुआ है हम लोग के सामने ही हुआ है तो ये भी किसने करा सुसाइड कार बॉम्बर ने करा था ना फोर्टी टू जवान हमारे मार दिए गए थे जैश ए मोहम्मद ने क्लेम की थी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझ रहे हो आप भाई टारगेट के यहाँ पे इनका टारगेट क्या है इंडिया की पॉलिटिकल कैपिटल फाइनेंशियल कैपिटल आईटी या फिर साइंटिफिक हब है ना मेन देख लो आप मुंबई पे अटैक करना दिल्ली पे अटैक करना अमृतसर पे अटैक करना रिलीजियस प्लेसेस हो गई है है ना या टूरिस्ट इंटरेस्ट की प्लेसेस हो गई है ना और तेज ठोकते जा रहे हैं ये लोग इतनी आवाजें आ रही हैं गॉड i don't know when these people will stop with their work care hinderland terrorism आप कभी-कभी कह सकते हो कि आसपास की कंट्रीज भी इनको काफी सपोर्ट करती हैं हिंडरलैंड में बताया ना दूर-दूर तक जो फैले होते हैं है ना अपने काम को इल्जाम दे रहे हैं तो काफी सारी कंट्रीज बॉर्डर्स के थ्रू इनको सपोर्ट करती हैं है ना और uh, आप कह सकते हो कि भाई ये वॉर वगैरह करवाने के चक्कर में रहती हैं कि बस किसी तरह से बर्बाद करें इंडिया को तो एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल वहां से या नेपाल के थ्रू काफी टेररिस्ट आते हैं देखिए भाई हमने ये पहला पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट करा है दूसरे पार्ट में हम एक्टिव मिलिटेंट आउटफिट से लेकर आएंगे इसको तब तक के लिए थैंक यू सो मच इफ यू लाइक द वीडियो लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ आई एस एंड प्लीज यू कैन फॉलो मी एनी ऑफ दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड Uh, you will uh, you can find all the videos on Facebook also. I am with the name of Sir Fires Page. Just like the page and watch these videos there. If you want to support me and join my membership, just uh, press the join button and please join my membership. Thank you so much for discussion. Please share your wonderful views in the comment box. Have a wonderful day ahead. Take care. <laughs>